हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिया टेक्निक के बारे में, विच इज़ रेडियो इम्यूनो एसे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। जब कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन या फिर बहुत सारे और जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप उनको क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करना चाहते हो, या फिर उनका प्रेजेंस प्लस उनका कॉन्सेंट्रेशन ये डिटरमाइन करना चाहते हो किसी भी अननोन सैम्पल, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसके अलावा यहाँ पे टेलीग्राम जो चैनल है इसमें ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी आप जैसे कई हज़ार बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट हैं, पूरा टाइम क्वेश्चन आंसर्स, क्विजेज एंड देन जितना भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी फ्री क्लासेज हैं, अपडेट्स है, वो सब मैं आपको वहाँ पर देते रहती हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस टेक्निक के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका यूज़ जो है वो हम कर सकते हैं अगर किसी भी एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन को हमको डिटरमाइन करना है। अभी एंटीजन कौन कौन हो सकता है? इट कैन बी अ हार्मोन, ड्रग, सेरम प्रोटीन और वाइटामिन एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। सो इन बहुत सारी चीज़ों का जब कॉन्सेंट्रेशन हमको डिटरमाइन करना है, हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फीचर में बात करूँ जहाँ से क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं, तो दैट इज़ वन इज स्पेसिफिसिटी। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक टेक्निक। इसके अलावा सेंसिटिविटी, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक होती है ये, ठीक है। इस टेक्निक के लिए बर्सन और येलो को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1977। ऑलराइट, शुरू करते हैं इस टेक्निक के बारे में बातें। सबसे पहले हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए इस टेक्निक के लिए। सबसे पहली जो चीज़ हमको चाहिए दैट इज़ जो सेरम, जिसमें कि हम जिसको कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो वो सेरम जिसमें कि वो एंटीजन, मतलब जिसको भी आपको डिटरमाइन करना है, वो एक ए एंटीजन। अब ये जो भी एंटीजन है उसके रिस्पॉन्सिव, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमको एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है। तो एंटी ए एंटीबॉडीज़ जो है उनकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एंड द थर्ड थिंग इज रेडियो लेबल्ड ए एंटीजन। अब नाउ वी नो कि ये एंटी ए एंटीबॉडीज़ जो है वो ए एंटीजन के साथ में रिएक्ट करती हैं। तो एक ऐसा ए एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए जो इससे इंटरैक्ट करे, और उसको हम रेडियो लेबलिंग करते हैं, ठीक है। रेडियो लेबलिंग क्यों? बिकॉज आगे आपको समझ में आएगा कि जिस जब इंटरेक्शन करवाएंगे हम, तो वी नीड दिस रेडियो लेबलिंग थिंग, ओके। तो इन जनरल 125 आयोडीन जो है आपका, उसको आप यहाँ पर उससे रेडियो लेबल कर सकते हो एंटीजन को, जहाँ पर हम टायरोसिन से उसका इंटरेक्शन करवाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, ऑफ कोर्स वी नो व्हाट वी रिक्वायर इज अनलेबल्ड ए एंटीजन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया है। इसकी रेडियो लेबलिंग नहीं की जाती है, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू चेक इट कि ये है भी कि नहीं है, और अगर है तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। अब स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी आपके जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसके वेल्स में आप यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है, जो एंटी ए एंटीबॉडीज जो है, ठीक है, उनको यहाँ पे एड्सॉर्ब करवा देते हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज़, एंड दीज आर जनरली मैप्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे रेडियो लेबल्ड एंटीजन जो है उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद में आप देखोगे कि ये काफ़ी एक्सेस अमाउंट में किया जाता है। क्यों एक्सेस में? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं एंटीबॉडी की, वो सबकी सब इंटरेक्ट कर लें, मतलब वो सबकी सब आपकी बिजी हो जाए, वो सबकी सब इंटरेक्शन शो करें, जिससे कि हमको ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारे पास कोई भी अनबाउंड एंटीबॉडी वहाँ पर प्रेजेंट है जो कि आपके किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन से बाद में बाइंड कर पाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्या करते हो, उसके बाद में वॉशिंग का स्टेप होता है, सो दैट द एक्सेस ऑफ जो एंटीजन है जो कि बाइंड नहीं किया है उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकें, ठीक है ना। इस स्टेप पे जब हम मेजर करते हैं, सो वी कैन सी जो रेडियो एक्टिविटी है दैट इज़ 100%, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, जो सेरम में आपका एंटीजन ए था जो कि अनलेबल्ड था, जिसकी हमने रेडियो लेबलिंग नहीं की थी, हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे लेबल्ड एंटीजन जो है वो बाइंड हो रखा है, ठीक है। अनलेबल्ड एंटीजन ए जो है, बिकॉज बोथ आर एंटीजन ए ओनली, ठीक है, विच आर स्पेसिफिक फॉर एंटी ए एंटीबॉडी, ऑलराइट। तो नाउ व्हेन वी विल ऐड दिस एंटीजन विच इज़ अनलेबल्ड, इट विल कम्पीट विद द जो आपके लेबल्ड एंटीजन है, उनसे कॉम्पिटिशन शो करता है, ठीक है। और ये जो कॉम्पिटिशन है दैट इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेबल्ड एंटीजन, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ जो आपके लेबल्ड एंटीजन थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी जगह पे जो अनलेबल्ड थे उन्होंने एंटीबॉडीज़ के साथ में इंटरैक्ट कर लिया है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जब आपका इतना स्टेप तक आप पहुंच चुके हो, इसके बाद में आपको यही इसी इसी पर्टिकुलर चीज़ से दो चीज़ें पता चलेंगी। पहला कि प्रेजेंस ऑफ जो आपका एंटीजन था, जिसकी आप जिसके बारे में आप चेक करना चाहते थे, वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसका पहली चीज़ आपको प्रेजेंस पता चलती है ना। और दूसरा चीज़ आप उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक कर सकते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे, जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी मदद से, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि जितना अमाउंट ऑफ लेबल्ड एंटीजन, जितने भी लेबल्ड एंटीजन वहाँ से रिमूव हुए होंगे, ठीक है, वो रिमूव होने के बाद में आपकी जो रेडियो एक्टिविटी है उतने अमाउंट से वो डिक्रीज हुई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि 100% रेडियो एक्टिविटी कब शो कर रहा है, जबकि आपका कंप्लीट बाइंडिंग यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा चुकी हूँ 100% रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब हम जानते हैं कि लेबल्ड एंटीजन होगा तो उसको हम रिमूव करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी का अमाउंट जो है वो घटेगा, ठीक ना। अगर मैं बोलती हूँ आपसे कि जो अनलेबल्ड एंटीजन था, ठीक है, जो अनलेबल्ड एंटीजन था, यदि उसका अमाउंट मैंने 0 नैनोग्राम, मतलब अभी तक मैंने कोई अमाउंट भी ऐड नहीं किया है, तो जो रेडियो एक्टिविटी अभी अभी मुझे मिलेगी दैट विल बी 100%, ठीक है। इसके अमाउंट को यदि मैं बढ़ाती हूँ, 1 नैनोग्राम करती हूँ, तो आप देखोगे कि रेडियो एक्टिविटी में कुछ आपको कुछ डिक्रीमेंट देखने मिलेगा, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि 90% तक वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम इसका अमाउंट और ज़्यादा बढ़ाएंगे, किसका, अनलेबल्ड एंटीजन का, क्यों बढ़ रहा है ये रेडियो एक्टिविटी, क्यों घट रही है, क्योंकि जो लेबल्ड एंटीजन थे वो आपके रिमूव होते जा रहे हैं वहाँ से, है ना, वो हटते जा रहे हैं, और वॉशिंग भी हम कर रहे हैं ऑफकोर्स, ठीक है। तो अगर आप 2 नैनोग्राम तक इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो इससे आपको पता चलेगा कि ये और डिक्रीज होके ये 80% तक ही रह गई है, एंड लाइकवाइज। इस तरीके से आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इसको कोरिलेट करते हुए। यहाँ पे आपको एक ग्राफ देखने मिलता है कुछ इस प्रकार का, जहाँ पे आप देख सकते हो हियर इज अनलेबल्ड एंटीजन, ठीक है, जो कि इसका अमाउंट है नैनोग्राम में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं CPM बाउंड डिवाइडेड बाय CPM फ्री, ठीक है, या फिर परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी आपको देखने मिलता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से मैं बना सकती हूँ आपको दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, दिस एक्सिस पे आपका रहेगा अनलेबल्ड एंटीजन, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नैनोग्राम में, एंड हेयर इज परसेंटेज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यू कैन सी कि कुछ इस तरीके से आपको जो लाइन है वो मिलेगी, कि क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आप अनलेबल्ड एंटीजन को बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। ओके, नाउ अब आपके पास जो सैम्पल था उससे आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो एक ग्राफ। फॉर एग्जांपल, दिस इज 0, 2, 4, 6, 8 एंड देन 10, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 20%, 40%, 60%, 80% एंड देन 100%, ओके। तो ये आपको स्टैंडर्ड ग्राफ जो होगा उसकी मदद से अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने पर्टिकुलर सैम्पल को। उससे आपको पता चलेगा, फॉर एग्जांपल, कि 40% तक आपका रेडियो एक्टिविटी आ गया है, दैट इज कोरिलेटिंग विद समहाउ इतना परसेंटेज, मतलब कि 6.5% ऑफ 6.5 नैनोग्राम ऑफ आपने जो अनलेबल्ड एंटीजन था उसको ऐड किया है, इसलिए आपको रेडियो एक्टिविटी जो है वो इतने तक दिखाई दे रही है, जो कि इनिशियली वॉज 100%। इस तरीके से आप उसका कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं, इसके अलावा प्रेजेंस तो ऑफकोर्स आपको पता चल ही जाएगी। तो इफ़ यू हैव 2 सैम्पल्स एंड यू नीड टू कंपेयर देम बोथ, कि किसमें जो एंटीजन है उसका प्रेजेंस ज़्यादा है या किसमें नहीं है, या फिर किसमें है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू हैव 3 सैम्पल्स, यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है, और यहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रेजेंस है लेकिन कम प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये तीनों को आप बहुत आराम से कंपेयर कर पाओगे इन पर्टिकुलर ग्राफ्स को प्लॉट करके। आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो टेक्निक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। बाकी इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, रेडियो एक्टिव एंटीजन, नाउ द फर्स्ट एंटीबॉडी, ऐड करोगे अनलेबल्ड एंटीजन को, रेडियो एक्टिव एंटीजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अनलेबल्ड एंटीजन से, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेट करेंगे आप एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को विद एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन सेकंड एंटीबॉडी, रेडियो एक्टिविटी ऑफ सुपरनेटेंट फ्री एंटीजन जो आपको है वो मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियो एक्टिविटी आपको किससे देखने मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो हमें रेडियो एक्टिविटी देखने मिल रही है, ऑफकोर्स जो आप सुपरनेटेंट में एंटीजन को ये कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण आपको ऑफकोर्स मिलते जा रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिया टेक्निक। इस कुछ भी आपको यदि डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑफकोर्स मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस और लेकर आने वाली हूँ, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो वीडियोस को, शेयर करो, दोस्तों तक पहुँचाओ, ठीक है, एंड खुश रहो, खूब मेहनत से पढ़ाई करो और अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करो।